इंदौर जिले के गौतमपुरा में हर साल दीपावली के दूसरे दिन होने वाली हिंगोट युद्ध में शुक्रवार को 15 लोग घायल हो गए। गांव में रुणजी का तुरा दल और कलगी दल ने अपने शौर्य और साहस का प्रदर्शन किया। दोनों ओर से जलती हुई हिंगोट तीर की तरह फेंकी गई। साल भर दीपावली के दूसरे दिन इंतजार रहता है। परंपरा जो जीवित रखने के लिए कलगी और तुर्रा दल आपस में बैठते हैं और एक दूसरे पर जलते हुए हिंगोट फेंकते हैं, और इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। इस आयोजन का ना कोई आयोजक होता है न ही प्रायोजक, उसके बावजूद भी यहां पर स्थानीय प्रशासन पूरी व्यवस्था करता है। शुक्रवार को खेले गए हिंगोट युद्ध में 300 से ज्यादा पुलिस बल SF के जवान जहां व्यवस्था संभाले थे, वहीं 4 एम्बुलेंस, 2 फायर ब्रिगेड के वाहन तथा स्वास्थ्य विभाग का अमला, चौकीदार और नगर परिषद के 50 से ज्यादा कर्मचारी लगे थे। वहीं हिंगोट युद्ध को देखने के लिए क्षेत्रीय विधायक मनोज पटेल भी पहुंचे। हर वर्ष 75 से 150 लोग इस युद्ध में घायल होते थे, लेकिन प्रशासन ने मैदान के चारों ओर 12-12 फीट ऊंची जाली लगाई थी, जिसके चलते दर्शक घायल नहीं हुए। इस बार सिर्फ 15 योद्धा घायल हुए, जिनका मौके पर इलाज कर छुट्टी दे दी गई। वहीं इस बार प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था की थी। गौतमपुरा के कलंगी दल में 100 से ज्यादा योद्धा लड़ रहे थे, वहीं रुंजी का तुर्रा दल में इस बार योद्धा कम थे। युद्ध मैदान में दोनों दलों की ओर नाली का बहता पानी व कीचड़ होने से योद्धा उसमें गिरते रहे, जिस वजह से योद्धाओं को जगह कम मिली व परेशान हुए, लेकिन अपनी इस परंपरा को बनाए रखा। इस युद्ध में हार जीत किसी की नहीं हुई। युद्ध के बाद दोनों दलों के योद्धाओं ने एक दूसरे के गले मिलकर खुशी मनाकर बधाई दी। गौतमपुरा देपालपुर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आपके निवेदन में व्यवस्था बना रखे, जो खिलाड़ी रोड पे आ रहे हैं उनके निवेदन है उसको अंदर करें। परंपरागत रूप से ही गौतमपुरा में हिंगोट का ये युद्ध मनाया जाता है, और पिछले कई वर्षों से ये परंपरा रही है। उसमें हम लोगों ने अभी वर्तमान में पुलिस व्यवस्था पर्याप्त लगाई हुई थी। सुरक्षा के जो दर्शक लोग आते हैं उनको कई बार चोट आ जाती है, उसको देखते हुए 12 फीट की जालियां पूरे स्टेडियम के चारों तरफ लगाई गई थी। साथ में हमने लगभग 300 का बल डिप्लॉय किया था, जिसमें SAF का भी बल है, जिला पुलिस का बल है, और साथ में हमने तीनों तरफ एम्बुलेंसेस और फायर ब्रिगेड भी तैनात की गई थी। और अभी जो युद्ध है वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ है। क्योंकि हिंगोट से कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, ऐसे 10 से 12 लोग अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। जो एम्बुलेंसेस की टीम है वो उनको लेके गई है इलाज के लिए। कोई भी गंभीर घायल होने की सूचना अभी तक नहीं है। ये देखिए, हिंगोट का एक फल होता है और उसमें बारूद भर के और उसमें एक लकड़ी लगा के और ये लोग जला के फेंकते हैं, और ये दो दल होते हैं, एक कलगी और एक तुर्रा, तो इनके बीच में ये होता है और बड़े सौहार्दपूर्वक तरीके से ये मनाया जाता है। क्योंकि परंपरागत रूप से ये पिछले कई सालों से मनाया गया है। जितने भी लोगों से हम लोग आप लोग बात करते हैं, जो बुजुर्ग भी रहे हैं, उन्होंने भी ये बताया कि हम लोगों ने अपने पूरे जीवन काल में अपने बुजुर्गों से भी सुना है कि ये लगातार मनाया जाता रहा है। तो ये परंपरा अभी जारी है, और इसमें पुलिस और प्रशासन की तरफ से जो भी सुरक्षा के व्यवस्थाएं करनी चाहिए वो सारी यहाँ पर की जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।